हे गाइस, मैं हूँ सूरज भान एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में सिखाने वाला हूँ कि मोबाइल में सॉफ्टवेयर को कैसे डाला जाता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप ऐसे ही और भी वीडियोस बिल्कुल फ्री में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए आपको यहाँ पे सब्सक्राइब का एक बटन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है और बेल आइकन पे क्लिक करके आपको ऑल पे प्रेस कर देना है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारे मोबाइल का जो सॉफ्टवेयर है वो उड़ जाता है या ख़राब हो जाता है, और ऐसे में जब भी हम अपने मोबाइल को ऑन करते हैं तो फ़ोन ऑन नहीं होता है, या फिर अगर फ़ोन ऑन होता भी है तो वहाँ पे केवल कंपनी का नाम दिखता है। तो अगर आपके मोबाइल में भी कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम है तो आपको अपने मोबाइल में सॉफ्टवेयर मारना होगा, या फिर कह सकते हैं आपको अपने मोबाइल में सॉफ्टवेयर डालना होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप घर बैठे खुद से ही अपने मोबाइल में सॉफ्टवेयर कैसे डाल सकते हैं, या फिर अपने सॉफ्टवेयर को फ्लैश करके एक नया सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं जो मेथड बताने वाला हूँ वो लगभग सभी एंड्रॉइड मोबाइल में काम करेगा। सो इसके लिए आपके पास चार चीजों का होना जरूरी है। पहली चीज, आपके पास वो मोबाइल होना चाहिए जो कि खराब हो चुका है, जिसमें सॉफ्टवेयर आपको डालना है। दूसरी चीज, आपके पास डेटा केबल होनी चाहिए जिसके थ्रू आप अपने मोबाइल को कंप्यूटर से अटैच करेंगे। तीसरा चीज, आपको जरूरत पड़ेगा एक कंप्यूटर या लैपटॉप की जिसके थ्रू आप अपने मोबाइल में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे। चौथी चीज, जरूरत पड़ेगी आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन की, तो आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए क्योंकि कुछ फाइल्स को हमें ऑनलाइन डाउनलोड करना होगा। अगर आपके पास ये सभी चीजें रेडी हैं तो ही आप अपने मोबाइल में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर पाएंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये मेथड आप उसी मोबाइल के अंदर इस्तेमाल करें जो मोबाइल खराब हो चुका है, या फिर जिस भी मोबाइल में सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है। आप कोई भी ऐसे फोन पर ट्राई ना करें जो कि सही काम कर रहा है या फिर उसमें सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए जान लेते हैं कि हमें क्या प्रोसेस करना होगा अपने मोबाइल में सॉफ्टवेयर को फ्लैश करने के लिए या मोबाइल में सॉफ्टवेयर को डालने के लिए। सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर में कोई भी ब्राउजर ओपन करना है, तो फॉर एग्जांपल आप गूगल क्रोम या फायरफॉक्स कोई भी ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए एक रोम डाउनलोड करना होगा, जिसे हम स्टॉक रोम भी कहते हैं। तो हर मोबाइल के लिए एक अलग अलग स्टॉक रोम होता है। सो इसके लिए आपको गूगल पे सर्च करना होगा स्टॉक रोम फॉर, उसके बाद आपको उस मोबाइल का नाम लिख देना है जिसमें भी आप सॉफ्टवेयर को डालने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल हम डालने वाले हैं वीवो में, तो वीवो लिखेंगे और उसके बाद उसका मॉडल नंबर आपको आगे लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं जिस मोबाइल में डालने वाला हूँ वो वीवो कंपनी का है, तो हम वीवो लिखेंगे और उसके बाद उसके मॉडल नंबर को आपको लिख देना है। सो यहाँ पे काफी सारे वेबसाइट्स आपके सामने शो करेंगे, आपको दो तीन वेबसाइट जो स्टार्टिंग की दिख रही है उस पर आपको राइट क्लिक करना है और ओपन लिंक इन न्यू टैब पे क्लिक करना है। न्यू टैब में ओपन करने के बाद वन बाय वन सभी टैब्स में आपको चेक कर लेना है कि किसमें वीवो का रोम फाइल आपको मिल रहा है। मान लीजिए मुझे इस वेबसाइट पे मेरा रोम फाइल मिल चुका है, तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है और इसे डाउनलोड कर लेना है। तो इसे हम अभी कट करेंगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसे डाउनलोड किया हुआ है। सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने के बाद आपको अगला सॉफ्टवेयर एक और डाउनलोड करना है जिसका नाम है एसपी फ्लैश टूल। तो आपको गूगल पे सर्च करना है एसपी फ्लैश टूल और उसके बाद आपको सर्च कर देना है। यहाँ पे काफी सारे वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगे एसपी फ्लैश टूल्स के, तो इनमें से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है या फिर ओरिजिनल एसपी टूल आपको नहीं मिल रहा है तो इसका लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपने सिस्टम में ला सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो एसपी फ्लैश टूल जो सॉफ्टवेयर है, इसी की हेल्प से आप अपने कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके अपने मोबाइल में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगले स्टेप में आपको एक ड्राइवर डाउनलोड करना होगा जो कि है एंड्रॉयड यूएसबी ड्राइवर। इसे डाउनलोड करने के लिए आपको ब्राउजर पे जाना है और जस्ट आपको यहाँ पे सर्च करना है डाउनलोड एंड्रॉयड यूएसबी ड्राइवर फॉर, उसके बाद आपको अपने मोबाइल का नाम और मॉडल नंबर लिख देना है। इनमें से मैं किसी भी एक वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। सो ये फाइल हमारी डाउनलोड हो चुकी है और जो भी डाउनलोडेड फाइल है वो यहाँ पे हमने सेव किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने तीन चीज डाउनलोड किया, एक रोम फाइल डाउनलोड किया है, एक एसपी फ्लैश टूल और उसके बाद एक यूएसबी ड्राइवर। तो यूएसबी ड्राइवर को हम यहाँ पे पहले एक्सट्रैक्ट करेंगे। सो इसके लिए आपको एक्सट्रैक्ट हेयर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूएसबी ड्राइवर हमारा एक्सट्रैक्ट हो चुका है, इस पर आपको राइट क्लिक करना है और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करना है। जस्ट आपको यहाँ पे थोड़ा वेट करना है, आपका जो ड्राइवर है वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो रहा है।
तो सॉफ्टवेयर को जहाँ पे भी आपने डाउनलोड किया है वहाँ पे ओपन करेंगे। अगर ये विंडार फाइल में है तो आपको इस पर राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करना है। सो इसके बाद आपको एसपी फ्लैश टूल पे भी राइट क्लिक करके इसे एक्सट्रैक्ट कर लेना है। सो फाइल यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। यहाँ पे आपको सर्च करना है फ्लैश टूल। अगर आपको मान लीजिए वहाँ पे एसपी फ्लैश टूल नहीं मिला, तो इसलिए मैंने एक एडिशनल डाउनलोड कराया था एसपी फ्लैश टूल, इस पर आपको डबल क्लिक करना है। और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक एसपी फ्लैश टूल मिल जाएगा, इस पर आपको डबल क्लिक करना है और इसे इंस्टॉल करना है। सो एसपी फ्लैश टूल जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्कैटर लोडिंग फाइल, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपने जो रोम फाइल डाउनलोड किया था उसे ओपन करेंगे। अब यहाँ पे हम सर्च करेंगे स्कैटर फाइल कहाँ पे है। अगर आपको नहीं मिलता है तो आपने जो भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था रोम का, इस पर आपको डबल क्लिक करना है और इसे ओपन करना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है एंड्रॉयड स्कैटर फाइल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड्रॉयड स्कैटर फाइल यहाँ पे मिल गया है, इस पर आपको क्लिक करना है और ओपन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे जो भी फाइल्स हैं वो सभी ओपन होके आ जाएंगी। अब दोस्तों आपको करना क्या है, जिस भी फ़ोन में आप सॉफ्टवेयर को डालने वाले हैं उस फ़ोन से उसकी बैटरी निकाल देनी है और उसमें जो भी आपने सिम वगैरह लगाया है सभी को आपको निकाल देना है। इसके बाद आपको डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक लाइन चल रही है। जैसे ही ये लाइन 100% फिल हो जाती है तो आपको अपने मोबाइल को यूएसबी केबल से कनेक्ट करना है। ध्यान रहे आपको अपने मोबाइल से बैटरी निकाल के ही लगाना है। तो जैसे ही आप अपने मोबाइल फोन को यूएसबी ड्राइव के थ्रू कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर रेड लाइट दिखेगा। सो जस्ट आपको यहाँ पे थोड़ा वेट करना होगा। लगभग 4 से 5 मिनट का टाइम लग सकता है। सो ये प्रोसेस जैसे ही 100% हो जाता है तो इसके बाद आपको अपने मोबाइल को यूएसबी ड्राइव से निकाल देना है और उसके बाद उसमें आपको अपनी बैटरी लगानी है और दोबारा से अपने मोबाइल को ऑन करना है। अब आपका जो मोबाइल है वो चालू हो जाएगा और जो भी आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आप काफ़ी इजीली अपने मोबाइल में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर अपने मोबाइल को फ्लैश कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। ऐसे ही और भी वीडियोस बिल्कुल फ्री में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।